ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर सीधा हमला कर सकता है, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका एक बार फिर से इसराइल की ढाल बनकर सामने आया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान से साफ कह दिया है कि अगर उसने इसराइल पर सीधा हमला किया, जिससे मिडल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ता है, तो ईरान इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस सब के बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC भी अमेरिका को आंख दिखा रहा है। दरअसल IRGC की कासिम सुलेमानी फ्लीट के एक कमांडर ने कहा है कि IRGC सिर्फ एक तटवर्तीय सुरक्षा बल नहीं है, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में भी उपस्थिति दर्ज है और ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के किसी भी कोने में अमेरिकी सेना तक पहुंच सकता है। दरअसल IRGC के कमांडर ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा IRGC नौसेना पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हमने ये दिखा दिया कि IRGC सिर्फ एक तटवर्तीय बल नहीं है और ये किसी भी तरह के भारी जहाजों को सप्लाई करने में काबिल है। वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में मौजूद है। नौसेना के बेड़े ने, जिसमें घरेलू स्तर पर विकसित शहीद मेहदवी समुद्री युद्धपोत प्रमुख के रूप में काम कर रहा था, फारस की खाड़ी में फारसी द्वीप से अपना मिशन शुरू किया। इस मिशन में अमेरिका ने IRGC के कमांडर को मार गिराया था। अपने मिशन के दौरान शहीद मेहदवी युद्धपोत मालागा स्ट्रेट सहित दुनिया के महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्ट्रेट से होकर गुजरा है। ईरानी फ्लोटिला भूमध्य रेखा को पार कर अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इससे अमेरिका को महत्वपूर्ण संदेश मिला है। IRGC के कमांडर का कहना है कि शाहिद मेहदवी युद्धपोत पहली बार डिएगो गार्सिया द्वीप और हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी ठिकानों में से एक के पास पहुंचा और 39 दिन की सफल यात्रा के बाद घर लौट आया। हमने अमेरिकियों को संदेश दिया कि हम आपके सबसे नजदीकी बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हैं। ईरानी कमांडर ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि हमने पूरी तरह से पेशेवर प्रकृति को दोहराते हुए कोई तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं की। IRGC नौसेना का पांचवा शहीद लेफ्टिनेंट जनरल हज कासिम सुलेमानी बेड़ा 39 दिन का मिशन पूरा करने के बाद ईरान लौट आया था और इस जहाज को 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में ले जाया गया था। आपको बता दें कि इस जहाज का वजन 2100 टन है। ये लंबी दूरी के ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। ये एक बहुउद्देशीय पोत है जिसकी लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। ये मार्च 2023 में IRGC के नौसैनिक बेड़े में शामिल हुआ था। ये युद्धपोत सरणी रेडार, समुद्र से समुद्र और समुद्र से हवा में वार करने वाली और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए राडार सिस्टम से लैस है। शाहिद मेहदवी युद्धपोत कई तरह के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू ड्रोन्स के साथ तेज हमलावर विमानों को ले जाने में काबिल है। हालांकि इस सब के बीच ईरान हर दिन खुद को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। हाल ही में एक समारोह के दौरान ईरानी सेना ने अपने बेड़े में कई नए हथियारों को शामिल करने की घोषणा की थी। IRGC का कहना है कि उसने अपने बेड़े में नई लॉन्ग और मीडियम रेंज की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, कॉम्बैट जासूसी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कामिकेज ड्रोन्स और नए नेवल रेडार को शामिल किया है। ईरानी सेना के मुताबिक उसकी क्रूज मिसाइलें एक बड़े युद्धपोत को या जहाज को अपने हमले से पानी में डुबो सकती हैं। ये मिसाइलें स्टेल्थ फीचर से लैस हैं, जो दुश्मन के रेडार को चकमा दे सकती हैं। आपको बता दें कि ईरान ने अपने सभी नए हथियारों को सार्वजनिक नहीं किया है, बल्कि उसने सिर्फ चुनिंदा हथियारों को डिस्प्ले किया था। यहाँ तक कि जो मॉडल पहले से ही पॉपुलर हैं, उनको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। ईरान ने 2654 हथियारों में से सिर्फ 210 स्वदेशी सिस्टम यानी 10% से भी कम हथियारों को इस समारोह में पेश किया है।
आईआरजीसी ने याजदेन या फराज नासिर सीरीज से मिलते जुलते 2 दर्जन ड्रोन डिस्प्ले किए। इसके अलावा अबाबिल 3 ड्रोन के 4 यूनिट्स को इस समारोह में रखा गया, जिनकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर है। ये ड्रोन 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं और इनकी हवा में क्षमता 8 घंटे उड़ान की है। इसके अलावा अबाबिल 5 ड्रोन को भी इस सेरेमनी में दिखाया गया। यह ड्रोन 480 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और ये 6 कयाम गाइडेड मिसाइलों को ले जा सकता है, जिनकी रेंज 6 किलोमीटर तक है, या फिर ये 4 अल्मस एंटी आर्मर मिसाइलों को ले जा सकता है, जिनकी रेंज 8 किलोमीटर तक है। अबाबिल 5 के बगल में मुहाजिर 6 ड्रोन को दर्शाया गया। यह ड्रोन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है। ये 5500 मीटर की ऊंचाई पर 150 किलोग्राम तक की मिसाइलों को ले जा सकता है। यह ड्रोन ऑटो पायलट सिस्टम से लैस है, जो लैंडिंग और उड़ान भरते वक्त एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा ये संचार को बाधित करने या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड से लैस हैं। और इन ड्रोन्स के अलावा घादिर और घादिर एंटी मिसाइलों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया था, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये 200 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। साथ ही तलाई क्रूज मिसाइल को भी आईआरजीसी ने सामने रखा। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही फतेह 360 रॉकेट लॉन्चर को भी दर्शाया गया था, जो 3 ट्यूब रॉकेट लॉन्चर से लैस है। ये कम दूरी वाली सैटेलाइट गाइडेड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 30 से 120 किलोमीटर तक है। ये 150 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। साथ ही ये मैक 4 की स्पीड पर उड़ान भरती है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले कभी भी तलह और फतेह 360 सिस्टम ईरानी सेना ने दर्शाया नहीं था।